हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। तो अगर आप वेजिटेरियंस हैं और आप एग्स खा लेते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। नॉन वेजिटेरियंस तो ये रेसिपी बना ही सकते हैं। तो इस रेसिपी का नाम है ब्रेड। आपने बिल्कुल सही सुना, आज मैं आपको ब्रेड बनानी सिखा रहा हूँ। उसको आप रोटी की तरह भी खा सकते हैं, आप उसको पिज्ज़ा की बेस बना के भी खा सकते हैं, और अगर आपको उसका बर्गर बनाना है तो आप उसको बर्गर भी बना के खा सकते हैं। तो ये शानदार रेसिपी आपके घर वालों को आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ी थोड़ी अपनी भूख समझ में आने लग गई होगी। तो सबसे ज़्यादा जब आपको भूख लगे तभी आपको खाना खाना है, नहीं तो नहीं खाना, और हमेशा टेस्टी खाना ही बना के खाना है। तो चलिए अब रेसिपी मैं बताता हूँ आपको। तो एक रोटी या फिर एक ब्रेड के लिए आपको दो अंडे चाहिए होंगे, और साथ में आपको चाहिए होगा इसबगोल। तो इसबगोल आप किसी भी केमिस्ट पे जाके ला सकते हैं। तो इसबगोल का एक पैकेट 110 रुपए का मिलता है, और वो कई दिन तक आपका चल जाएगा। पूरे महीने में आपके सिर्फ दो या तीन ही इसबगोल के पैकेट लगेंगे। तो चलिए मैं आपको आगे रेसिपी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप तो दो अंडे अपने बाउल में तोड़ लीजिए। तो हमेशा याद रखें, आपको एग्स जितने भी खाने हैं विद एग योक ही खाने। दो लेग्स में आपकी दो चम्मच इसबगोल डल जाएगा। साथ में आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक और मसाले डाल दीजिए। आपकी मर्जी है, जितने भी आपको मसाले डालने हैं उतने आप डाल सकते हैं, आमचूर भी डाल सकते हैं। और ये स्पेशल मैं गरम मसाला अपना अलग से पीस के रखता हूँ, वो भी थोड़ा सा आप डाल दीजिए। और अब इसी में आप अजवाइन भी डाल दीजिए। अजवाइन बहुत ही टेस्टी लगता है और आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो बस आप इसको मिला लीजिए। ये आपके ब्रेड का पेस्ट तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये लोहे की कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा बटर लगा लेता हूँ। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा बटर लगा लिया है, और ये पूरी की पूरी ब्रेड आपकी धीमी आंच पे ही बनने वाली है। तो गैस को आप हमेशा सिम ही रखें। तो अब कुछ नहीं करना आपको, बस ये डाल देना है अपना पेस्ट, और कढ़ाई में बिल्कुल गोल ही शेप आने वाली है इसकी। तो फ्रेंड्स, जब ये गर्म हो रहा है तब तक आप इसको ढक दीजिए। तो फ्रेंड्स, बस एक दो मिनट में ही आपको प्लेट हटा के देखना है, और ये देखिए पूरा ब्रेड मेरा फूल चुका है अच्छी तरह। अब टाइम आ गया इसको पलटने का, तो इसको बिल्कुल आप आराम से पलट दीजिए। तो ये पूरा ब्रेड बन जाता है, और इसको आप ढक दीजिए दोबारा। तो फ्रेंड्स, बस अब आपको एक डेढ़ मिनट के बाद ही देख लेना है कि ये पका या नहीं पका। तो आपका ब्रेड पूरा फूल चुका है। तो ये देखिए कितना शानदार ब्रेड आपका तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अंडा खा सकते हैं तो आप हमारी डाइट में रोटी ब्रेड भी खा सकते हैं। इस ब्रेड को आप कैसे भी यूज करिए, पिज्जा बेस बनाइए, सब्जी के साथ खाइए, या चीज लगा के खाइए, आप इसको कैसे भी खा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, बिल्कुल रोटी की तरह ही टूटता है। और आज का होमवर्क आपके लिए यही है, इसकी फोटो मेरे पास आ जानी चाहिए। तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आपका दिन बना या नहीं बना, और आपने इसके साथ क्या क्या और भी कलाकारी की। तो उसकी फोटोज भी आप मेरे को व्हाट्सएप करके दिखाएं।